साल 2022 में चार ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिसमें दो सूर्य ग्रहण होंगे और दो चंद्र ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगने जा रहा है। इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं, ये ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा और इसका समय क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके समय की। तो 30 अप्रैल को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा, यानी ये जो सूर्य ग्रहण है ये रात को लगेगा। अब अगर इसके सूतक काल की बात की जाए तो इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है। आंशिक सूर्य ग्रहण का मतलब होता है जब जो चंद्रमा है वो सूर्य को आंशिक रूप पर यानी कि आधा ढक देता है, तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए इसका सूतक काल यहाँ पर मान्य नहीं रहेगा। बात की जाए सूतक काल की, तो सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले से माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहला दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा। अब दोस्तों, सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, ये हमारे ब्रह्मांड में कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को खासकर कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो आपको जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण है रात के 12:15 से शुरू होने वाला है, यानी लगभग आधा से ज़्यादा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो इस दौरान सो चुकी होती हैं, इसलिए उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस दौरान सो नहीं पाती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उन्हें सोने में दिक्कत होती है। जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो वहाँ पर गर्भवती महिलाओं को सोने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है। तो उन गर्भवती महिलाओं को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे में उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, यानी आपको अपने कमरे में ही रहना है, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो भी आपको कमरे से बाहर नहीं जाना है। दूसरी बात दोस्तों, भूख गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान काफी ज्यादा लगती है, तो ऐसे में अगर आपको रात को भूख लगती है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इस दौरान आप भोजन ना करें। आप 12 बजने से पहले ही अपना भोजन जो है वो अच्छे से कर लें, ताकि आपको रात को भूख ना लगे। इसके अलावा अगर आपको रात को पानी की प्यास लगती है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने पीने के पानी में तुलसी की पत्तियां जरूर डाल दें, तभी आप उस पानी का सेवन करें। तो दोस्तों, जैसा कि ये सूर्य ग्रहण रात को लगेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानियां रखने की ज़रूरत इस दौरान नहीं है, क्योंकि लगभग सभी लोग इस टाइम पर सो रहे होंगे। लेकिन फिर जब आप नेक्स्ट डे उठेंगी उसके बाद आपको तुरंत अपने घर का शुद्धिकरण करना है, घर में गंगा जल वगैरह छिड़कना है, और जो भी आपने कपड़े पहने हैं वो सारे आपको हटा देने हैं यानी कि धो देने हैं, और दूसरी बात तुरंत आपको नहा जाना है। इसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है, या पानी भी आपको इसके बाद ही पीना है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि भोजन जो आप जो भी कर रही हैं वो बिल्कुल ताज़ा बना भोजन हो, बासी भोजन का सेवन इस दौरान ना करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सूर्य ग्रहण के बारे में। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, इसका सूतक काल क्या रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।